मैदान नहीं, जिसका जो जिला है उस जिले में तुरंत सीधे ही भेजो, ताकि आपको कोई दलाल नहीं ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद थर्ड ग्रेड में ट्रांसफर कीजिए। 85,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, वो 85,000 लोग अपने घरों पर जाना चाहते हैं। आपने अब तक थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं कीजिए। रोज आपको पूछते हैं, कभी नीति बना रहे, कभी अनीति बना रहे, कभी क्या कर रहे, कभी मुख्यमंत्री के पास गई है, कभी फाइल वहां गई है। आज दिन तक ट्रांसफर की एक पॉलिसी नहीं बना पाए। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। इसलिए मैंने ऐसे और भी कई विषय लिख रखे हैं, कई विषयों को समेटना है। गैर शैक्षणिक कार्यों की वो स्थिति तैयार कर दी क्या बीएलओ प्रताड़ित। और मैं तो कहता हूं बीएलओ को आप देखो, आप काम मत करो। अभी तीन जिलों का उदाहरण बताता हूं मैं आपको। चुरू का उदाहरण, आपने चुरू में सारे संगठन एक साथ आ गए, और चुरू का उदाहरण है आपके सामने, सारे शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त कर दिया। कोटा का उदाहरण, इसी 6 तारीख को हमारे 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। कोटा के शिक्षकों ने सबको मिल कर गए एक साथ, जो कोटा के शिक्षक गए, सारे संगठन मिल के गए। कल वार्ता थी, कलेक्टर साहब ने कहा हम शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त कर देंगे, और जितने 5 लोगों को जो सस्पेंड किया है वो आधे घंटे बाद ऑर्डर कर देंगे ले जाना। और वो कर दिया आधे घंटे बाद। उन्होंने कहा 1 महीना लगेगा, मैं सारे आपके शिक्षकों को मुक्त कर दूंगा। तो बाकी जिलों में क्यों नहीं हो सकता? राजसमंद का उदाहरण हमारे सामने है, उन्हें सस्पेंशन वापस लेना पड़ा। एकजुट होकर के यदि अपन संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से बीएलओ भी मुक्त होगा और गैर शैक्षणिक कार्यों से भी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आप सभी से आह्वान है, इस सरकार को ये वादा याद दिलाओ, आपने वादा याद दिलाओ कि हमारे 2008 और 2009 में आपने पाते वेतन पर 23,000 लोगों को आपने सेकंड ग्रेड बनाया था। उन सेकंड ग्रेड के उस आदेश में लिखा था कि हम 6 महीने में इनको नियमित कर देंगे, इनको डीपीसी कर देंगे, और नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद भी आपने इतने वर्षों बाद नहीं किया। वो लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट से भी वो जीत करके आए हैं, लेकिन सरकार ने 3 महीने हो गए जीतने के बाद भी उनको भी अभी तक परमानेंट नहीं किया। इससे दुर्गति और क्या हो सकती है कि सरकार निकम्मी, सुनना नहीं चाहती किसी भी विषय को। सुने तो सही, अब तक हमसे संवाद नहीं किया। संवाद करती तो इनका समाधान निकलता। जो बिना पैसे की मांग थी वो सारी हल हो जाती, और पैसे की मांग थी आपने कमेटियों पर कमेटी बिठाई, आपने सामंत कमेटी बिठाई, उसको उसका हर बार आगे करते गए। 3 वर्षों बाद उस सामंत कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपने एक कमेटी और वोट बिठा दी। आज हमारे बांसी के चौधरी जी की अध्यक्षता में एक वेतन विसंगति निवारण समिति बना दी, और वो भी कह की रिपोर्ट दो, कह नहीं आगे बढ़ाओ, रिपोर्ट दो आगे बढ़ाओ, उसका भी कार्यकाल आगे बढ़ाया। 6 महीने उसकी रिपोर्ट को भी आए हुए हो गए सरकार के पास, वो भी पड़ी है। सरकार इन वेतन विसंगतियों को भी दूर नहीं करना चाह रही है, इसलिए हमको मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा है। 4 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं, अगला चरण आज उदयपुर संभाग का, ये इन विशेष जो काम थे उनके लिए था। कुछ बातें बची है वो ऋषि जी रखेंगे, जो बातें हो गई उसके अलावा ऋषि जी रखेंगे। मैं वो बात करता हूं, ये सरकार जब आई थी तब हमसे वादा किया था इसने कि हम यदि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षकों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं। वो जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया, वो जन घोषणा पत्र कभी भी आप इंटरनेट से सर्च करके पढ़ लेना। उसकी पहला जो उसकी बात है वो बताता हूं। उन्होंने कहा कोई भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कार्मिक, सरकारी कार्मिक को हम वेतनमान संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, उप समिति का गठन करेंगे और उनका निवारण करेंगे। मैं आप बंधुओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये मांग पूरी हो गई क्या हमारी? जन घोषणा पत्र में 1 क्रमांक पर थी, जन घोषणा पत्र की 2 क्रमांक पर जो थी उन्होंने कहा हम समयबद्ध पदोन्नतियां देंगे। हो गई क्या समयबद्ध पदोन्नतियां? केवल आदेश दिया, कागजों में आदेश है, कोई पदोन्नति नहीं पिछले 3 साल से। तीसरी उन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हम वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे। वेतन विसंगतियां क्या सरकार ने दूर कर दी? वो भी 1 नहीं की। और चौथी
पांचवी थी, चौथी इन्होंने रिटायरमेंट वालों के लिए रखी, और पांचवी थी कि जितने भी संविदा के कार्मिक लगे हैं, भले वो आंगनबाड़ी हो, लोक दुमिश कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, पैरा टीचर हो, भले वो विद्यालय